एक आदमी जिसका हार्ट फेल हो गया था, उसे ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, एक एक्सीडेंट की वजह से उसे हार्ट मिल जाता है। अब जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था उसकी वाइफ में वो इंटरेस्टेड हो जाता है। इसी के पैरेलल में जिस आदमी की वजह से एक्सीडेंट हुआ ये भी स्टोरी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 21 ग्राम्स ये 2003 की एक हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होने पर एक फैमिली हमसे इंट्रोड्यूस होती है। मदर का नाम है क्रिस्टीना। क्रिस्टीना अपने ग्रुप से कह रही थी कि उसे पहले ड्रग्स की बहुत ज़्यादा आदत थी, पर अपनी फैमिली की वजह से उसकी सारी आदत छूट गई है। अपने पार्टनर के लिए वो बहुत ही थैंकफुल है। इसी के पैरेलल में उसका हस्बैंड जिसका नाम है माइकल, ये अपनी बेटियों के साथ हैंग आउट कर रहा था। अगले सीन में हमारा और एक मेन कैरेक्टर हमसे इंट्रोड्यूस होता है, जिसका नाम है जैक। जैक एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है। वो पहले बहुत इलीगल चीज़ें किया करता था, पर अब वो वार्ड पर बिलीव करता है। एक लड़का जो अभी भी इलीगल चीज़ें करता है उसे वो समझा रहा था कि तुम्हें गॉड का वे चूज करना चाहिए। इसके बाद हमारा और एक मेन कैरेक्टर हमसे इंट्रोड्यूस होता है, इसका नाम है पॉल। पॉल का हार्ट फेल हो चुका है, उसे जल्द से जल्द ट्रांसप्लांट की जरूरत है। पॉल की एक वाइफ है जिसका नाम है मैरी। पॉल को शायद ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट नहीं मिलेगा, तो मैरी इस बात से बहुत ही हार्ट ब्रोकन थी। उसके साथ पूरी लाइफ बिताना चाहती थी, अपनी फैमिली बढ़ाना चाहती थी। अब पॉल इस हालत से है तो डॉक्टर से पूछती है क्या आर्टिफिशियली वो प्रेग्नेंट हो सकती है। डॉक्टर ने मैरी की हिस्ट्री ली तो उसका पहले ऑपरेशन हो चुका था। डॉक्टर कहते हैं हमें पहले तुम पर ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके बाद हमें कर सकते हैं। जिस तरीके की पॉल की कंडीशन है, इस कंडीशन में उसे स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, पर फिर भी वो स्मोकिंग कर रहा था। उसकी वाइफ इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है। अगले सीन में हम जैक को उसके बॉस के साथ देखते हैं। उसका बॉस कहता है तुम्हारी प्रीवियस जो हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री के साथ हम तुम्हें जॉब नहीं दे सकते। बॉस ने कहा था कि जैक को उसके सारे टैटूज वगैरह कवर करने पड़ेंगे, पर जैक का एक टैटू नेक पर भी है जिसे वो कवर नहीं कर सकता। ये सारी प्रॉब्लम उसी की वजह से हुई थी। जैक फिर डिसअपॉइंटेड होकर वहां से चला जाता है। वो घर पर आया और उसका मूड बहुत ही खराब था। घर पर उसकी वाइफ, उसका एक बेटा और एक बेटी है। उसका बेटा उसकी बेटी को मार रहा था। डॉटर चिल्लाकर कंप्लेंट करती है। वो कहता है गांधी जी ने कहा था कि अगर एक गाल पर कोई मारे तो दूसरा गाल आगे करना चाहिए। वो जबरदस्ती अपने बेटे को उसकी डॉटर को मारने के लिए कहता है। उसकी वजह से घर में सब लोग बहुत डर गए थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में पॉल और उसकी वाइफ मैरी ये दोनों डिस्कस कर रहे थे। मैरी अपने जॉब पर फिर से वापस जाने वाली थी तो पॉल के लिए उसने एक नर्स हायर की थी। तो पॉल कहता है मैंने उसे फायर कर दिया, वो मुझे क्रिपल की तरह फील कराती थी। मैरी इस बात पर बहुत गुस्सा हो गई, कहती है मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती। पॉल उसे मनाने के लिए उसके पास आया, उसे किस करने लगता है। आज पॉल उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था, पर मैरी उसे मना करती है। कहती है तुम्हारे सैंपल की मुझे जरूरत है, यानी कि आर्टिफिशियली वो प्रेग्नेंट होना चाहती है। इस वजह से पॉल को हॉस्पिटल में जाकर सैंपल देने पड़ेंगे। पॉल ये नहीं करना चाहता था, पर मैरी के लिए वो मान जाता है। आज रात क्रिस्टीना जब घर पर आई तो उसे कॉल आता है कि उसके हस्बैंड और उसके डॉटर्स का एक्सीडेंट हो चुका है। इस बात से वो बहुत ही डर गई थी। इसी के पैरेलल में हम देखते हैं कि मैरी और पॉल ये दोनों हॉस्पिटल में सैंपल देने के लिए आए हुए थे। डॉक्टर पॉल को समझाता है कि तुम्हारी बेबी को देखने के लिए शायद तुम जिंदा ना रहो, या फिर भी तुम्हें करना चाहते हो। पॉल ये सिर्फ मैरी के लिए करना चाहता था। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि जैक बहुत ही शौक में वैसे ही घर पर आता है। वो गाड़ी से निकल नहीं रहा था तो उसकी वाइफ उसे देखने के लिए बाहर आई। उसने कहा कि मैंने अभी अभी एक आदमी और उसकी दो डॉटर्स का एक्सीडेंट करवा दिया। वो रोड क्रॉस कर रहे थे और जैक का अपनी कार पर उतना कंट्रोल नहीं रहा। जैक की वाइफ उसे शांत रहने के लिए कहती है। जहां पर एक्सीडेंट हुआ था ये जगह वो देख कर आई। हॉस्पिटल में भी पुलिस को क्या पता है क्या नहीं, ये सब उसने इंक्वायरी कर ली। किसी को भी जैक के बारे में पता नहीं था। हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि जब क्रिस्टीना वहां पर पहुंची तो डॉक्टर उससे बात करते हैं। उसकी दोनों डॉटर्स की डेथ हो चुकी थी और उसका हस्बैंड ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था। उसके ब्रेन में बहुत सारी ब्लीडिंग हो गई थी। इसके बाद एक दो दिन गुजर चुके थे। क्रिस्टीना का हस्बैंड ये रिस्पॉन्सिव नहीं था। डॉक्टर उसे कहते हैं तुम्हारा हस्बैंड ब्रेन डेड है, हम उसके लिए कुछ भी कर नहीं सकते, पर तुम किसी और की जान बचा सकते हो। वो माइकल का हार्ट पॉल को देने की बात कर रहे थे। क्रिस्टीना बहुत रो रही थी, पर अपने आप को संभालने के बाद वो भी इसके लिए मान गई। बीच रात पॉल और मैरी को कॉल आया और जल्दी से हॉस्पिटल पर पहुंच जाते हैं। उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। उसे हार्ट मिला, इसके लिए वो बहुत ही थैंकफुल था। वो कहता है कि मैं डोनर की फैमिली से बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर कहते हैं तुम इस तरीके से उनसे बात नहीं कर सकते, तुम उन्हें थैंक यू नोट दे सकते हो। पॉल किसी के भी मानने वालों में से नहीं था। उसने डोनर की फैमिली को जानने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर कर लिया। उसे क्रिस्टीना के बारे में पता चल जाता है। उसके लिए उसे बहुत बुरा लगा। क्रिस्टीना क्या करती है, कहाँ जाती है, इस सब के बारे में उसे पता था। एक दिन क्रिस्टीना जब स्विमिंग करने के लिए आई हुई थी तो उसे अप्रोच करता है। वो उससे पूछता है क्या तुम्हारे शोल्डर पर जरा चोट आई थी, तुम स्विमिंग करते करते जरा लिम्प करती हो। उसे बेटर स्विम करने के लिए उसने जरा गाइड कर दिया। वो लंच कर रही थी तो पॉल उससे पूछता है क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। क्रिस्टीना इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी।
पॉल यहाँ से जा रहा था पर फिर से वापस आता है। कहता है अकेले खाना किडनियों के लिए अच्छा नहीं होता। क्रिस्टीना थोड़ा सा इस पर हंसती है पर फिर भी वो इंटरेस्टेड नहीं थी। अपने हस्बैंड के जाने के बाद वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। रात में उसे उसकी बहुत याद आई। वो पहले जिससे ड्रग्स बाय करती थी उसे वो फिर से कॉल लगाती है पर एक सेकंड में अपना माइंड उसने चेंज कर दिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस को अभी भी जैक के बारे में कुछ भी पता नहीं था पर वो बहुत ही ज्यादा गिल्टी महसूस करता है। अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। उसकी वाइफ कहती है कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो, तुम्हारे बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता और तुम्हारी एक्चुअल ड्यूटी हमारे पास है। मुझे तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी बहुत जरूरत है। पॉल के ट्रांसप्लांट के बाद मैरी बहुत ही खुश थी। उसने अपने सब फ्रेंड्स को इन्वाइट कर एक पार्टी रखी। इस पार्टी में वो अनाउंस करती है कि बेबी के लिए हम ट्राई करने वाले हैं। सब उनके लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। रात में पॉल ने मैरी से बात की, कहा कि अब बेबी के लिए हमें जरा सोचना पड़ेगा, ये एक बड़ा डिसीजन है। जैक बहुत ही ज्यादा गिल्टी महसूस कर रहा था। उसकी वाइफ के समझाने के बावजूद वो अपने आप को पुलिस में दे देता है। क्रिस्टीना के हस्बैंड के मेमोरियल पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। यहाँ पर क्रिस्टीना के फ्रेंड को जैक के बारे में पता था। उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि तुम्हें जैक पर चार्जेस प्रेस करने चाहिए। क्रिस्टीना ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहती थी। उसकी फ्रेंड ने उसे फोर्स किया तो रोने लग जाती है। कहती है मेरा कुछ भी करने से मेरा हस्बैंड मेरी डॉटर्स ये वापस नहीं आएंगे, तो ये सब करने का पॉइंट क्या है। अगले दिन पॉल और मैरी डॉक्टर के पास आए थे। पॉल डॉक्टर से पूछता है मैरी के प्रेग्नेंट होने के चांसेस क्या है। डॉक्टर कहते कि पहले उसका ऑपरेशन हुआ था तो इस बार उसके चांसेस बहुत ही कम है, पर पॉल को अबॉर्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैरी ने उससे बात छुपाई तो इससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसने मैरी से कहा कि बहुत सालों से हमारे बीच में कुछ भी नहीं था, हम अब ये नाटक नहीं कर सकते। एक्चुअल में मैरी पॉल की कंडीशन देखकर फिर से उसके पास आई थी। वो कहती कि तुम्हारे लिए दूसरा कोई भी नहीं आता। पॉल कहता है कि तुम अकेली थी इसीलिए आई। ये बात सुनकर मैरी रोने लग जाती है। पॉल को भी बुरा लगा, उसे गले लगा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम जैक को जेल में देखते हैं। उसका रेवरेंड उसे मिलने के लिए आया हुआ था पर अब वो गॉड पर बिलीव करता है या नहीं इसे वो क्वेश्चन कर रहा था। उसे लगता है कि अगर गॉड सचमुच में होता तो उसके हाथों मासूम लोगों की डेथ नहीं होती। जैक ने फिर प्रिजन में सुसाइड करने का भी ट्राई किया पर वो फेल हो जाता है। एक रात क्रिस्टीना बहुत ही डिस्टर्ब थी, वो एक क्लब में गई और वहां अपने लिए ड्रग्स बाय कर लेती है। जैक उसके बारे में और भी जानना चाहता था तो उसका पीछा करते करते वो भी यहाँ आया हुआ था। क्रिस्टीना बार में बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई, बाहर आकर अपनी गाड़ी भी चला नहीं सकती थी। उसने गाड़ी को थोड़ा सा ठोक दिया। उसे संभालने के लिए पॉल भी उसके पास आता है। बारटेंडर उसे इस तरीके से ड्राइव नहीं करने दे सकता था तो पॉल ने क्रिस्टीना से चावी ली, कहा मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। उसने उसे घर पर छोड़ा, गाड़ी में ही सुला कर वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जैक से मिलने के लिए उसकी वाइफ आई हुई थी। वो कहती है हम तुम्हारे लिए कोर्ट में लड़ रहे हैं, तुमने जानबूझकर नहीं किया था, ये कितना भी एक्सपेंसिव हो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद एक वीक चला गया था। क्रिस्टीना अपने स्विमिंग लेसन पर थी तो पॉल फिर से उसके पास आता है। बारिश की वजह से वो बाहर टैक्सी का वेट कर रही थी तो पॉल कहता है तुम्हें घर तक लिफ्ट दे सकता हूँ। उसे मना करती है। पॉल कहता है एक वीक पहले बार से घर तक मैंने तुम्हें लिफ्ट दी थी। क्रिस्टीना भी फिर इसके लिए मान गई। उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहती हो। वो कहता है कि वैसे भी तुम लंच करने वाली हो और अकेले खाना ये किडनियों के लिए अच्छा नहीं होता। इस बार वो फिर से हंसकर इसके लिए मान जाती है। पॉल जब घर जा रहा था तो अचानक से उसे उल्टी आने लग जाती है। इसके बारे में उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उस पर थोड़े टेस्ट हुए और डॉक्टर ने उसे बताया तुम्हारा हार्ट अब मैच नहीं कर पाया। अगर पॉल ने इस बात को निगलेक्ट कर दिया तो कुछ दिनों में उसकी डेथ हो सकती है। डॉक्टर कहते हैं तुम अब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, हम तुम्हारे लिए फिर से और एक हार्ट ढूंढेंगे। पॉल को पता था कि अब उसे फिर से हार्ट नहीं मिलने वाला। वो डॉक्टर को हॉस्पिटल में रहने से मना कर देता है। अगर उसे मरना ही है तो अपना फ्रीडम एंजॉय कर करो मरेगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जैक की वाइफ ने उसे जेल से छुड़ा लिया है। जैक ये नहीं चाहता था, वो अपनी गलतियों की सजा भुगतना चाहता है। वो जब घर पर आया तो उसके बच्चे उसे गले लगा लेते हैं। अब उसे फिर से फैमिली के पास वापस आकर अच्छा लग रहा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम क्रिस्टीना और पॉल की डेट देखते हैं। पॉल एक्चुअल में एक मैथमेटिशियन है। क्रिस्टीना को समझा रहा था इन नंबर से हम बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नंबर्स हमें बताते हैं कि दो लोगों का एक टाइम पर एक जगह पर मिलना, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। हमारे मिलने के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। क्रिस्टीना को भी उसकी बातें अच्छी लगी। आज की उनकी डेट अच्छी गई थी। क्रिस्टीना ने उसे अपने घर में इनवाइट किया। घर में पॉल ने क्रिस्टीना की फैमिली की सारी फोटोज देखी। अचानक से उसे फिर से हार्ट की तकलीफ होने लग जाती है। वो यहाँ से जाने लगता है पर उसने क्रिस्टीना से कहा मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, पिछले बहुत टाइम है मैंने इतना किसी को भी लाइक नहीं किया। क्रिस्टीना उसे झूठ कह देती है कि मैं मैरिड हूँ। पॉल फिर वहां से चला गया। रात में वाइफ के साथ था और अचानक से रोने लग जाता है। वो कहता है कि जब मैंने उस आदमी को हिट किया उसकी डॉटर मुझे देख रही थी जैसे कि मुझसे हेल्प मांग रही हो और मैं वहां से चला गया, शायद मैं उसे बचा सकता था। एक गिल्ट उसे खाए जा रही थी। एक दिन वो अपने बच्चों के साथ था। उसकी डॉटर उसे कहती है स्कूल में मुझे बताया जा रहा था तुमने एक फैमिली को मार दिया है, क्या सच है।
जैक का बेटा कहता है कि उसने उन्हें मार दिया। इस बात से जैक को बहुत ज्यादा गिल्टी लगा। वो फिर डायरेक्टली घर छोड़कर चला जाता है। एक रात क्रिस्टिना पॉल को कॉल करती है, उसने उसे मिलने के लिए बुलाया। ये बात मैरी ने नोटिस की और पॉल पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मुझे लगा तुम बदल चुके होंगे। पॉल कहता है कि हम दोनों नहीं बदले हैं। वो क्रिस्टिना के पास आया, उससे कहती है तुम मुझे ऐसे कैसे बता सकते हो कि तुम मुझे लाइक करते हो, मेरे लाइफ में क्या चल रहा था इसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। उसे सब कुछ बता देती है। पॉल ने उसे गले लगा लिया, फिर दोनों किस करने लगते हैं। क्रिस्टिना उसके साथ इंटीमेट होने वाली थी पर पॉल उसे रोक लेता है, कहता है तुम्हारे हस्बैंड का हार्ट मुझे ही मिला है, हमारे बीच कुछ भी हो इसके पहले मैं तुम्हें बताना चाहता था। क्रिस्टिना इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई, कहती कि तुम यहाँ कर क्या रहे थे। उसे मार मार कर घर से बाहर निकाल देती है। पॉल रात भर घर के बाहर ही गाड़ी में ही सो गया। क्रिस्टिना सुबह होने पर ये नोटिस करती है, उसे पास हुआ है। क्रिस्टिना कहती कि तुमने ये सब किया क्यों। पॉल कहता है तुम्हारे हस्बैंड ने मेरी जान बचाई, जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो बहुत बुरा लगा था, मुझे किसी ना किसी तरीके से तुम्हें थैंक यू कहना था, जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुमसे दूर नहीं रह पाया। क्रिस्टिना रोने लग गई, पॉल उसे सहारा देता है। ये दोनों फिर इंटीमेट हो गए। एक दो दिनों बाद जब पॉल घर पर आया तो मैरी यहाँ से निकल रही थी। वो पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। वो कहती कि मेरा ऑपरेशन होगा, तुम्हारे बच्चे की मैं माँ बनूंगी और इसके बाद मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम क्रिस्टिना को देखते हैं कि वो एक्सीडेंट के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी। उसे पता चला कि जैक अब जेल में नहीं है। वो इस बात से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होकर वो ड्रग्स करने लगती है। ये बात पॉल ने देखी और उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब बहुत ही गलत है। क्रिस्टिना उसे कहती है कि जब जैक ने मेरी डॉटर को हिट किया तब उस समय वो जिंदा थी, समय अगर वो रुक जाता उसे हॉस्पिटल में लेकर जाता तो अभी भी वो जिंदा होती। वो वैसे ही चला गया, वो अभी भी जिंदा है, उसे मारना चाहती है। वो पॉल को कहती है अगर तुम मुझे हेल्प करना चाहते हो तो उसे मारने के लिए हेल्प करो। उसने उसे भी कन्विंस कर लिया। इसके बाद पॉल अपने डिटेक्टिव से मिला, जैक कहा है इसकी वो लोकेशन ले लेता है। उसने उसे एक गन भी बाय कर ली। इसके बाद वो जैक जहां पर रुका था उस मोटेल पर आया, उस पर उसने गन लगाए, कहता है कि डेजर्ट में चलो। उसने उसे नीस पर बैठने के लिए कहा, उसे मारने वाला था पर ये काम वो कर नहीं पाता। वो कहता है कि अब यहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर तुम चले जाओ, फिर से मुझे तुम दिखने नहीं चाहिए। पॉल की हालत अब और भी ज्यादा बिगड़ने लग गई थी, थोड़े दिनों में उसकी डेथ हो जाएगी। रात में उसके और क्रिस्टिना के पास जैक आया। वो उसे कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते थे, प्लीज इस काम को कंप्लीट कर दो। वो खुद गिल्ड में अब जी नहीं पा रहा, उसे मारने के लिए फोर्स करता है। जैक और उसमें फाइट हो गई। इस फाइट में क्रिस्टिना जैक को मारने लग जाती है, उसे जान से मार देती। तभी पॉल ने गन लेकर अपने आप को शूट कर दिया। क्रिस्टिना अगर जैक को मार देती तो उसकी लाइफ भी बर्बाद हो जाती है, ये पॉल नहीं चाहता था, इसलिए उसने क्रिस्टिना को रोकने के लिए खुद को गोली मार ली। वो फिर जैक की हेल्प लेकर पॉल को हॉस्पिटल में लेकर आती है। पॉल को ब्लड की जरूरत थी, क्रिस्टिना उसे डोनेट कर सकती है। उस पर टेस्ट वगैरह हुए पर डॉक्टर कहती है कि इस हालत में हम तुम्हारा ब्लड नहीं ले सकते, तुम्हारे ब्लड में ड्रग्स पाए गए हैं जो तुम्हारे बेबी के लिए अच्छे नहीं है। क्रिस्टिना को पता ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद पॉल की डेथ होगी पर क्रिस्टिना को उसने जीने का सहारा दे दिया है। वो पहले अपने डॉटर के रूम में भी जा नहीं सकती थी पर मूवी के लास्ट सीन में वो अपने डॉटर के रूम में उसकी सारी चीजें देख रही थी। वो अपनी लाइफ को लेकर फिर से होपफुल है। हम जैक को फिर से उसकी फैमिली के पास लौटता हुआ देख सकते हैं। उसके वाइफ को बहुत अच्छा लगा। पॉल मूवी के लास्ट में मरते हुए हमसे कहता है कि जब हमारी डेथ होती है तो हमारी बॉडी से 21 ग्राम्स ये वेट कम हो जाता है। ये ह्यूमन सोल के बारे में वो बात कर रहा था। वो पहले खुद वंडर करता था कि इस पेन का रीजन क्या है, पर वो रियलाइज करता है कि लाइफ में चीजें कितनी भी बुरी क्यों ना हो पर फिर भी हम पॉजिटिव चीज को देख सकते हैं। हमारे हाथ में आने वाली जो खुशी है इसके लिए हम जी सकते हैं। इसी एक पॉजिटिव मैसेज के साथ ही मूवी एंड हो जाती है।